नमस्कार आदाब, ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मुमरा कौसा के अंदर थाना महानगर पालिका के कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। गुलाबपार मार्केट के अलावा आप देख सकते हैं कादर पैलेस के ऊपर भी उन्होंने कार्रवाई की है। और यहाँ पे कादर पैलेस जो शॉपिंग सेंटर बना हुआ उसकी जो सीढ़ी थी उसको भी आज वो लोग मनपा के कर्मचारी लोग उखाड़ के लेके गए। आइए जानते हैं आज जो जिस तरीके से मनपा ने कार्रवाई की कादर पैलेस पे उस बारे में। तो आप प्रशासन से मतलब क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारा जो था कायदे से लगा हुआ और ये पूरा कादर पैलेस शॉपिंग सेंटर हमारे में दे चुका हूँ। उनके पास में ऑर्डर भी है, उनसे लिखा पढ़ी करके भी लिया है हमने। और ये अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये नाले के ऊपर अभी कुछ ही दिन पहले ये दुकान बनी है। आप देखिए ये हमारे इधर ये इनलीगल बना, ये काका नगर से लग के ये गाला ये नाला ये इनको प्रशासन को नहीं दिख रहा, हमारी सीढ़ी दिख रही। हाँ ये आप देख लीजिए पूरा ऊपर से नीचे। अभी इनको बोलते हैं कि इन्होंने परमिशन लेकर बनाया, बराबर है। तो अब जब इनको अगर ऐसी नाले के ऊपर परमिशन दे सकते तो हमारी सीढ़ी से क्या एतराज़ था इनको? खाली बस आके बस सीढ़ी है तुम्हारी कंप्लेंट आई तो बोले तोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो प्रशासन से यही है कि एक दूसरे का जब सोच के जब चलते हैं ना तो सबका ही ख्याल रखे हुए एक दूसरे का देखना चाहिए ना। जैसा कि तो मजहर भाई अभी वो लोग सीढ़ी तो निकाल के लेके गए, क्या भाई आप दूसरी सीढ़ी लगवाने जा रहे हैं? जल्द लगा देंगे, एक पाँच मिनट में दूसरी लगा देंगे। अच्छा। दूसरी सीढ़ी लगा देंगे हम। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन का है कायदा, वो तोड़ के जावे हम लगाते चले जाएंगे। अगर प्रशासन को तकलीफ है ना तो बाजू में भी वो सौतेला व्यवहार नहीं करे हमसे, जो भी है सब जगह बराबरी का करे वो। मजर में मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि बार बार ये शॉपिंग सेंटर के ऊपर कादर पैलेस शॉपिंग सेंटर पे देखने में आया कि बार बार मनपा कार्रवाई करती, कहीं ये मामला राजनीति से प्रेरित तो नहीं? ये कैसा है थोड़ा सा मामला वो भी उस रुख में भी चले जाता है जी, वो लोगों का ऐसा भी कहीं का प्रशासन का और पॉलिटिकल भी है थोड़ा सा, क्योंकि आप एक पार्टी से जुड़े हुए थे उसके अध्यक्ष थे आप। तो कैसा है कि लोग चाहते हैं कि ये खामोश क्यों हो गए तो आवे मैदान में, या ऐसा भी कुछ लोगों का नज़रिया है। और या तो हम हमारे काम धंधे से कारोबार से है तो, और ये लोगों को कहीं ना कहीं चुभ रहा है। अच्छा। हाँ, और ये शॉपिंग ऐसा बनाया है तो वो भी एक पॉलिटिकल दूसरे जो लोग हैं तो उनको भी दर्द होता है कि इनका ऐसा क्यों है। हमारे साथ और भी कादर पैलेस शॉपिंग सेंटर के दुकानदार है, आइए जानते आज यहाँ पे जो मनपा की तरफ से कार्रवाई है इस बारे में उनका क्या कहना। भाई अब बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल सलाम है। आप क्या कहना चाहते? मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी कंप्लेंट करने वाले हैं उनको लीगल दिखता है, इलीगल नहीं दिखता है, जबकि उनको इलीगल दिखना चाहिए, लीगल नहीं दिखना चाहिए। ये प्रशासन की दोगले वाली बात है कि इलीगल को जो है सही मानते हैं और लीगल को गलत मानते हैं, बस यही मेरा कहना है। ऐसा पूछा, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आपकी भी ये दुकान है यहाँ पर। अभी आप जो कहे देखे इसको पॉलिटिकल आप जो दिए थे तो ये पॉलिटिकल के चक्कर में जैसा कि हम जो गरीब दुकानदार है इनका भी नुकसान हो रहा है। अच्छा। आप देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स का है कि मजहर भाई को उससे रिलेट किया जा रहा है, तो मजहर भाई तो एक है अपने सर के ऊपर, लेकिन हम जो है दुकानदार है उनका नुकसान हो रहा है। जो हम जो यहाँ पे रोजी लेके बैठे हैं हमारा नुकसान है, जितना भी इनका बोल रहे तो उतना हमारा भी है। आप अगर उनके जरिए नजरिए से देख रहे तो हम लोग जो गरीब है जो हम दुकान लेके बैठे हमारी रोजी है यहाँ पे, तो हमारी नज़र से भी देखो कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। अब एक सीढ़ी उठा लिया हम यहाँ से, कस्टमर एक नहीं जाएगा तो हम रोजी अपने घर कैसे चलाएंगे? हमारे घर में माँ बहन है, बच्चे हैं, सब कुछ है, हमारी रोजी का भी देखो। उनका ये सीढ़ी से उखड़ने से क्या हुआ? कुछ नुकसान नहीं भाई, गटर था यहाँ पे, ना कोई रास्ता है ना कुछ है, कुछ है तो यहाँ पे ना उनका कोई नुकसान है ना कोई कंप्लेंट है। तो उस किस बिना पे उसने कंप्लेंट किया वो कंप्लेंट हमें दिखाया जाए। वो बोलते हैं कि हमें इतनी सारी कंप्लेंट आई तो किस बिना पे और किसने किया है ये हमें पहले दिखाना चाहिए। आपके नाम पे ये कंप्लेंट है और इससे किसको क्या नुकसान है वो बताना चाहिए था हमें, वो कुछ नहीं बताया गया, डायरेक्ट आया और सीढ़ी उखाड़ के लेके चले गए। मनपा ने मतलब ये जो कार्रवाई की आप लोग इससे नाराज? जरूर भैया, जिसकी तो निंदा करते हैं हम लोग, नाराजगी कि हमारी हमारी रोजी रोटी में हमको फर्क पड़ेगा। अभी हमारे कस्टमर नहीं चढ़े तो हम लोग हमारा घर कैसे चलेगा? अभी हमारी दुकानें खोल के बैठे हम लोग इतने बड़े, हमारे रोजी कोई कस्टमर नहीं आएगा तो हमारी रोजी पे फर्क पड़ेगा? एक सीढ़ी था जिससे कोई आसरा था कि कुछ चढ़ के कुछ कम से कम कोई कस्टमर तो हमारे घर आ जाए, लेकिन अभी नहीं। अब तुम ये लाइन देखते हो, इसके लाइन पे कितनी सारी दुकानें हैं, सब वो लाइन से कितनी अंदर है हमारी दुकान, फिर भी इसके अंदर उनको कार्रवाई करना है। कादर पैलेस, बस कादर पैलेस उनको दिख रहा है, पूरे पॉलिटिक ने इसको रिलेटेड कर दिए कि ये बस कादर पैलेस पॉलिटिशियन ने बनाया है ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये भी आम आदमी, हम भी आम आदमी, हम भी रोजगार लेके बैठे, ये भी आम आदमी है, कोई पॉलिटिशियन से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे सब आम आदमी है। तो प्लीज़ हम चाहते हैं कि आप गुहार करें कि आप जो भी करें लेकिन हमारे लिए कोई सोल्यूशन निकाले कि हमारे लिए जो रोजी है उसको आसान करे कोई अल्लाह। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि आज मनपा के अधिकारियों कर्मचारियों ने जिस तरीके से गुलाबपार मार्केट के अलावा ये कादर पैलेस जो शॉपिंग सेंटर है यहाँ पर भी कार्रवाई करते हुए इस शॉपिंग सेंटर की सीढ़ियाँ उखाड़ के लेके गए, जिससे यहाँ के जो दुकानदार काफ़ी नाराज
देखे गए। और यहाँ के जो इस शॉपिंग सेंटर के जो मालिक है मजर भाई, उनका कहना है कि वो लोग तो उखाड़ के तो लेके गए, लेकिन हम बहुत जल्दी यहाँ पे एक नई सीढ़ी का इंतजाम अभी हम करने जा रहे हैं।